दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को बेहतरीन क्रिकेट टीम मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हाल ही में भारत का 16 दिसंबर को सुबह सुबह साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है, और जहां भारतीय टीम बायो बबल में प्रवेश कर चुकी है। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के साथ 3 टेस्ट मैच और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाली है, जो पहले 17 दिसंबर से प्रारंभ होने वाली थी, लेकिन कोरोना के खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण दौरा 10 दिन स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद अब पहला मैच 26 दिसंबर से खेला जाएगा। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका पहुंचकर अभ्यास करना शुरू कर दिया, और उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ अभ्यास मैच भी खेला, जिसका पहला दिन समाप्त हो गया है और भारतीय टीम ने पहले दिन बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया। भारत की तरफ से विराट कोहली ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने उतरे मयंक अग्रवाल और केएल राहुल। इन दोनों खिलाड़ियों ने जबरदस्त अपने अपने शतक जड़कर 212 रन पर बिना किसी नुकसान के टीम को पहुंचा दिया और दोनों नाबाद खड़े रहे। भारत की तरफ से 280 गेंदों पर 105 रन 8 चौकों की मदद से मयंक अग्रवाल ने बनाए, तो वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल ने 260 गेंदों पर 101 रन बनाकर नाबाद खड़े रहे, जिसमें 6 चौके शामिल हैं। दूसरी तरफ विपक्षी गेंदबाजों ने एक भी विकेट हासिल नहीं किया, और जिससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय टीम आने वाले समय में बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की तरफ से गेंदबाजी की बात की जाए तो कगिसो रबाडा ने 30 ओवर में 75 रन दिए, और वहीं लुंगी एंगिदी ने 32 ओवर में 98 रन लौटाए, और इस प्रकार कोई भी गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी नहीं कर सका। दोस्तों, आइए जानते हैं कैसी हो सकती है भारत की टेस्ट सीरीज के लिए प्लेइंग 11। ओपनिंग करने के लिए मयंक अग्रवाल के साथ केएल राहुल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। मयंक अग्रवाल ने पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मैच में 212 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई, तो वहीं केएल राहुल टीम में रोहित शर्मा की जगह बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे और ये टेस्ट टीम में बहुत समय के बाद जगह बना रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए चेतेश्वर पुजारा आएंगे, जो अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं, और चौथे नंबर पर टीम के कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजी करेंगे, जो अपने प्रदर्शन को अर्धशतक और शतक में तब्दील करना चाहेंगे। पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आएंगे, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है अपने डेब्यू मैच में ही, और इन्होंने डेब्यू मैच में शानदार शतक लगाकर अपनी टीम में जगह पक्की कर ली है। छठवें नंबर पर विकेटकीपर के रूप में ऋषभ पंत टीम में शामिल होंगे, क्योंकि साहा को पिछले सीरीज में मौका दिया गया था लेकिन वो उस मौके को भुना नहीं पाए थे। सातवें और आठवें नंबर पर ऑलराउंडर के तौर पर रविचंद्रन अश्विन और जयंत यादव खेलेंगे, और दोनों स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर टीम में जगह बना पाए हैं, और दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी स्पिन डिपार्टमेंट को संभाल पाएंगे। नौवीं और दसवीं और ग्यारहवीं नंबर पर टीम में बुमराह, समी और मोहम्मद सिराज शामिल हैं। समी और जसप्रीत बुमराह ये दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के रेगुलर तेज गेंदबाज हैं, जो टीम की तेज गेंदबाजी के महारथी हैं, और साथ ही साथ मोहम्मद सिराज, जो कि पिछले मैच में 5 विकेट लेकर अपनी जगह टीम में पक्की कर चुके हैं। दोस्तों, भारत के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।